दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं हूँ राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट भीमाले गांव से। ठीक है, तो अभी है सुबह का समय, ऐसा कुछ सनसेट है और आज थोड़ी धूप ज़्यादा है और सर्दी भी थोड़ी बहुत कम है कल के हिसाब से। तो अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको दिखाया है कि कल कितनी सर्दी थी। ठीक है, और हम मैच भी खेले थे, क्रिकेट भी मैच वगैरह भी खेले थे और आज घर में पानी भी आ चुका है। मतलब यही हमारे लिए खुशी की बात है, लगभग 10-15 दिन के बाद ही आया है। और ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने एक छोटा सा खेत है, खेत का हो या फिर बाड़िया का हो वो। ठीक है, तो मैं अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, ऐसा कुछ सीन है, मोहल्ले में कोई नहीं है मेरे अलावा, और मेरा दोस्त भी गया पंकज कल उदयपुर, उसके कुछ एग्जाम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो भाई मिला था कल सुबह, हाँ शाम को मिला था और हम गए थे बर्थडे पार्टी में, और रुपेश की जो सिस्टर है उसके सिस्टर की बर्थडे पार्टी थी उसमें गए थे। तो उसमें उस समय हमारी मुलाकात हुई थी कि भाई मैं जा रहा हूँ देखो। ठीक है, कोई ना यार, आज क्रिकेट खेलने के लिए वापस जाएंगे हम। ठीक है, और आपका नया साल आपका कैसा रहा? आई होप ठीक ही रहा होगा। आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया, ये हमारे सदाफुली है और आपको कनेक्शन दिखा था, ये कनेक्शन जाता है यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्शन होता है। पहले हमने यहाँ पर जो पाइप होता है ना वो फिट किया था, बट हाइट उसकी ऊपर थी तो हाइट के हिसाब से वो पानी नहीं आ पाता था। ठीक है, क्योंकि पानी कम ही आता रहता है। वो भी था नहीं घर पर, पता वो जा रहा है पाली, तो चलो ठीक है कोई ना, रुपेश को कॉल किया वो आ रहा ही होगा। तो गांव में क्या है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और चाय पानी लगभग हो जाता है 6:30 के आसपास, और नाश्ता पानी भी हो जाता है इसके थोड़ी देर बाद। हमारे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 11 बजे खाना खाएंगे या फिर दोपहर को खाएंगे। जब मैं पाली रहता था हॉस्टल में तो वहाँ थोड़ा नियम अलग था। ठीक है, तो वो थोड़ी अलग लाइफ होती है, बट गाँव में जो हमारे पिताजी वगैरह माता जी की जो लाइफ होती है वही हमारी सेम होती है। और शाम को जल्दी सो जाना, यानी सर्दी के माहौल में क्या है कि ज़्यादा देर तक हम यानी बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि गांव में विशेषकर बहुत ही सर्दी ज़्यादा है। और कल भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्नो कितनी ज़्यादा थी, मतलब आसपास के एरिया नहीं दिख पा रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है। और आज थोड़े सूर्य देवता हमारे ऊपर मेहरबान है, तो मतलब धूप निकल चुकी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए जाऊँगा मैं, अगर वहाँ पर खेलने के लिए कोई आया होगा तो ठीक। और एक बात है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक गांव का टूर दे दूँ मैं, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको गांव का टूर करवाऊँगा। अपने जैसे स्कूल हो गई, अपने स्कूल का मैदान हो गया और कुछ मंदिर है वो दिखाऊँगा मैं आपको वहाँ। यहाँ से आप हम देख सकेंगे मैच, ये हो गया बास्केटबॉल का है ना, और वो पानी की टंकी है, वो मंदिर है।
तो ये पूरा ग्राउंड है, वहाँ से लगा कर ये पूरा ग्राउंड है वहाँ तक, वो जो दीवार है ना वो पानी की टंकी के आसपास, वो पूरा ग्राउंड है। शाम का समय है तो मंदिरों में पूजा वगैरह स्टार्ट मतलब हो चुकी है और साउंड बज रहा है, कोई आरती और हमारे मारवाड़ी भजन स्टार्ट हो गए मंदिर में। ठीक है, तो जस्ट इसके पास में ही एक माता जी का मंदिर के पास जस्ट महादेव जी का मंदिर है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, याद नहीं है, बट अब शायद यूट्यूब पर वो मेरे चैनल पर अपलोड है या नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो काम करते हैं लेबर, उनका सुला वगैरह है ना अच्छा है बनाने के लिए, वो दिखाता हूँ। और पीछे कैसा बना है बैठने के लिए, ये है ड्रेसिंग रूम। ठीक है, इस तरह का है ड्रेसिंग रूम, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है ड्रेसिंग रूम, ऐसा कुछ नज़र है इस साइड का। ठीक है, पहले कुछ ऐसा था नहीं, लगभग 3-4 साल पहले, तो यहाँ पर आपको जितना भी मैंने आपको बताया ग्राउंड, इस पर यहाँ पर अतिक्रमण हो चुका था लोगों का, तो जेसीबी की मदद से पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है और ये बता दिया गया है कि ये स्कूल का मैदान है। ठीक है, तो आप एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये है पीछे दिख रहा है आपको स्कूल का मैदान का बोर्ड है। ठीक है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, उस साइड भी नहीं लिखा है, इस साइड भी नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ इस साइड भी कुछ नहीं है यार, लिखना अच्छा है, पता नहीं कितने साल का पुराना है, बट यही एक निशानी थी कि ये मैदान स्कूल का है। ठीक है, वरना हर कोई मतलब इसको भी अंदर ले लिया था अतिक्रमण करके, बट आखिर में सरकार के आगे झुकना ही पड़ता है। ठीक है, और ये है हमारे अंकल लकड़ी लाते हुए काम से, अभी शाम का समय है ना। दोस्तों अभी चलते हैं घर पर, बहुत ज़्यादा मैंने टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी इनका यूथ देखो आप, देखो अरे 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 अरे, ये वाइट वाला कमज़ोर है इसलिए इसके ऊपर ये सभी जितने वन ये सभी हावी होते रहते हैं। ठीक है, इनकी फाइट तो हमेशा चलती रहती है। अब देखो ये देखो वापस फाइट कर रहा है, क्या है उसको बच्चा। हम बोलते हैं अपनी भाषा में बिच्छू, ये सूखने के बाद इस तरह होते हैं ब्लैक टाइप। ठीक है, इसमें लगे हैं कांटे, देखो ये कांटे लगे हैं। मैं ओपी के घर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, घर पर था नहीं कोई। ठीक है, मम्मी थी और अब तो हमारी भैंसिया भी आ चुकी हैं, इनमें दो भैंसिया है हमारी। ठीक है, अब बोरे की है सही में, अरे यार अपनी कोई है ही नहीं जान पैसा, अपनी नहीं अपोरी को नहीं। मैंने ऐसे ही कह दिया है, चलो कि कोई नहीं यार अपोरी है नहीं तो लेट आएगी मेरे हिसाब से, है ना। तो हूँ अपना गौसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी भैंसिया वगैरह बंधी जाती है, ये पोटी कर रखी है, अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्दी में बसाने के लिए है सर। दोस्तों अभी आया हूँ मैं भावेश भाई की हेल्प करने के लिए, जो आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते रेनिंग, क्या बोलते भाई पता नहीं क्या बोलते। अभी इसको वहाँ पर मतलब इस साइड चढ़ाना है। ठीक है, ये वाली रेनिंग है। ठीक है, तो अभी इसको चढ़ाते हैं, दिखा दो आप। भावेश भाई बोला यार मोरिया ओपी है और ये
क्या नाम है तेरा? राकेश। राकेश हे लाको भी राकेश। इसको खींचना है रस्सी से बांध कर वहाँ तक ले जाना है, ठीक है? तो देखते हैं हमारा कैसा रहता है एक्सपीरियंस, ठीक है? तो पहले दो थे, अब हो गए पांच छः, ठीक है? और हमारे पुराने फ्रेंड आ चुके हैं पीरू भाई, ठीक है? अमर ये एंथनी है, अकबर एंथनी बंगले के मालिक, ये है बंगले के मालिक। अब इसको बांधा जाएगा यहाँ से। जी जी वही अच्छा पतला है थोड़ा, है ना? ठीक है। और डायरेक्ट देखो आप हम फटाफट जाइए। यहाँ पर हमने चढ़ा है, ठीक है? आपको दिखाता हूँ ऊंचाई लगभग कितनी है, देखो भाई। और ये है चार भुजा का मंदिर भाई, वीडियो का एंड तो करने दे। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ वहाँ से फ्री हो पाया हूँ। जो पहले आपने जो देखी थी वो रेलिंग, वो वैसी वैसी पांच थी, ठीक है? तो हमने वो चार की साइड ऊपर चढ़ा दी, ठीक है? तो अभी करते हैं वीडियो का एंड, और नाइट भी ज़्यादा लगभग हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Thank you.